इससे पिछले वीडियो में हमने आरडी शर्मा एक्सरसाइज 18.2 फॉर क्लास 11 बाइनोमियल थ्योरम इसके क्वेश्चन नंबर 1 to 8 को देख चुके थे। आज के इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 और उसके आगे क्वेश्चंस को करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द कोफिशियंट ऑफ फर्स्ट केस है x^10 इन द एक्सपांशन ऑफ 2x²-1/x^20। अब यहाँ पे बाइनोमियल एक्सपांशन ये दिया हुआ है। अब कह रहा है कि इस बाइनोमियल एक्सपांशन में जो भी टर्म में x^10 कंटेन कर रहा है उस टर्म का कोफिशियंट हमें निकालना है। तो देखिए पिछले वीडियो में हमने देखा था किसी भी बाइनोमियल एक्सपांशन का जनरल टर्म ये किस तरीके से निकालते थे। तो r+1h टर्म ये बनता है, देखिए यहाँ साइन नेगेटिव है तो यहाँ आ जाएगा -1r, देन ncr, n के प्लेस पे यहाँ 20 है, 20cr, देन 2x², इसकी पावर बन जाएगा 20-r, और देन ये टर्म 1/x, इसकी पावर r, ये बन गया, ये क्लियर। अब यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं -1r, 20cr, यहाँ से ये मिल गया 2^20-r, इंटू x^2 से इंटू कर दीजिए इसको, तो 40-2r, और यहाँ से ये मिल जाएगा 1/x^r, ये क्लियर। अब इसको हम लिख सकते हैं -1r, 20cr, 2^20-r, x^40-2r, और यहाँ से -r आ जाएगा तो -3r बन गया ये क्लियर। अब यहाँ पे x की पावर यहाँ पे दिया हुआ है 10, तो इसके प्लेस पे 10 होना चाहिए, तो इसको इक्वेट कर दीजिए 10 से, 40-3r इक्वल्स टू क्या बन जाएगा 10, 40-10 30, ये राइट साइड में गया तो 3r, r यहाँ से आ गया 30/3 10, ये क्लियर। अब अगर हम ये चीज यहाँ पुट कर दे तो ये मिल जाएगा -1r 10 20c 10 एंड 2^20-10 तो 10, और यहां से आ जाएगा अगर हम 10 पुट करेंगे तो ये x^10 बन जाएगा, क्योंकि ये 10 के लिए ही हमने इक्वेट किया था, 40-30 ऐसे भी आप चेक कर सकते हैं 10 आ रहा है। नाउ जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो -1r 10 +1 बन गया, और यहां से आ गया 20c 10, 2^10 x^10, तो x^10 का कोफिशियंट पूछा था तो कोफिशियंट क्या है ये है, तो ये आंसर बन जाएगा, क्लियर। नाउ सेकेंड केस है x^7 इन द एक्सपांशन ऑफ x-1/x^2 40। तो यहाँ पे r+1h टर्म ये हम लिख सकते हैं, देखिए यहाँ भी साइन नेगेटिव है तो यहाँ भी आ जाएगा -1r, देन n के प्लेस पे 40 है तो 40cr, देन x^40 -r, देन 1/x² 2r, ये बन जाएगा r+1h टर्म। अब इसको हम लिख सकते हैं -1r 40cr x^40-r इंटू 1/x^2 r, 2r बन जाएगा, ये आ गया -1r 40cr x^40-r, और ये -2r ऊपर चला जाएगा तो -r -2r, यहाँ पे हम -3r लिख सकते हैं, ये क्लियर। अब यहाँ पे x^7 दिया हुआ है, मतलब इसके प्लेस पे 7 होना चाहिए था, तो देखिए 40-3r इसको इक्वेट कर दीजिए 7 से, तो 40-7 इक्वल्स टू 3r बन गया, तो 33 इक्वल्स टू 3r, r की वैल्यू आ गई 11, ये क्लियर। अब ये यहाँ पुट कर दीजिए तो ये बन जाएगा -1r 11 एंड 40c 11 और x^40-3 × 11, ये रखने पे ये क्या आ रहा है 7 आ रहा है, 7 आ जाएगा, तो यहाँ कोफिशियंट ये मिल गया, और कोफिशियंट को हम क्या लिख सकते हैं -1r 11 है तो -1 आएगा, तो -40c 11, ये कोफिशियंट ऑफ x^7 हो जाएगा, और यही आंसर बन जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोफिशियंट ऑफ x^-15 फाइंड करना है, और बाइनोमियल एक्सपांशन गिवन है 3x² - a / 3x³ 10।
तो यहां से r प्लस वन एच टर्म बनेगा, यहां पे नेगेटिव साइन है, r प्लस वन एच टर्म ये आ जाएगा माइनस वन टू दी पावर r, n के प्लेस पे 10 दिया हुआ है तो 10 सी आर, देन थ्री एक्स स्क्वायर टू दी पावर 10 माइनस आर, देन a अपॉन थ्री एक्स क्यूब टू दी पावर r, ये क्लियर। अब इसको हम लिख सकते हैं माइनस वन टू दी पावर r, 10 सी आर, थ्री टू दी पावर 10 माइनस आर, एन एक्स टू दी पावर 2 से इंटू कीजिए तो 20 माइनस टू आर, यहां से आगे ए टू दी पावर आर अपॉन थ्री टू दी पावर आर और एक्स टू दी पावर 3 इंटू आर, 3 आर बन जाएगा, ये बन गया माइनस वन टू दी पावर आर, 10 सी आर, थ्री टू दी पावर 10 माइनस आर माइनस आर, तो 10 माइनस टू आर, एन एक्स टू दी पावर 20 माइनस टू आर माइनस 3 आर, 20 माइनस 5 आर और इंटू ए टू दी पावर आर। अब यहाँ x टू दी पावर माइनस 15 दिया हुआ है, मीन्स इसके प्लेस पे माइनस 15 आना था, तो इसको इक्वेट कर दीजिए माइनस 15 से, 20 माइनस 5 आर इक्वल्स टू माइनस 15, 20 प्लस 15 35, ये राइट साइड में गया तो 5 आर, आर आ गया 35 अपॉन 5 7, इसको यहाँ पुट कर दीजिए तो ये बन जाएगा माइनस 1 टू दी पावर 7 एंड 10 सी 7, देन थ्री टू दी पावर 10 माइनस 2 इंटू 7 14, तो 10 माइनस 14 माइनस 4, और यहां से ये मिल जाएगा x टू दी पावर माइनस 15 देन a टू दी पावर r के प्लेस पे 7, ये क्लियर। इसको हम लिख सकते हैं माइनस 1 टू दी पावर 7 माइनस 1, तो माइनस साइन आ जाएगा, और 10 सी 7 इसको हम 10 सी 3 भी लिख सकते हैं क्योंकि एन सी आर इक्वल टू एन सी एन माइनस आर होता है, तो 10 सी 3 10 इंटू 9 इंटू 8 अपॉन 3 फैक्टोरियल, और यहाँ पे 3 टू दी पावर माइनस 4 है, इसको नीचे ले आए तो 3 टू दी पावर 4, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 बन जाएगा, और देन a टू दी पावर 7 और x टू दी पावर माइनस 15, ये आ गया। नाउ 3 इंटू 3 9 और ये 9 कैंसिल, 2 से ये 4 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया माइनस 40 ए टू दी पावर 7 और अपॉन 27 देन एक्स टू दी पावर माइनस 15, हमें कोफिशियंट पूछा था तो ये आंसर बन जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट है कोफिशियंट ऑफ एक्स टू दी पावर हम फाइंड करना है, बाइनोमियल एक्सपेंशन गिवन है एक्स प्लस वन अपॉन एक्स होल टू दी पावर है, तो यहां से आर प्लस वन एच टर्म ये हम लिख सकते हैं, यहां साइन पॉजिटिव है और n के प्लेस पे n ही दिया हुआ है, तो ये बन जाएगा एन सी आर, देन एक्स टू दी पावर एन माइनस आर, देन वन अपॉन एक्स टू दी पावर आर, ये क्लियर। अब इसको हम लिख सकते हैं एन सी आर एक्स टू दी पावर एन माइनस आर इंटू वन अपॉन एक्स टू दी पावर आर बन जाएगा, और इसको हम लिख सकते हैं एन सी आर एक्स टू दी पावर एन माइनस आर माइनस आर, तो एन माइनस टू आर, ये क्लियर। अब यहाँ पे एक्स टू दी पावर एम है, मीन्स इतने के प्लेस पे m होना था, तो इसको इक्वेट कर दीजिए m से, तो यहां से इसको हम लिख सकते हैं n माइनस m इक्वल्स टू 2r, तो r आ गया n माइनस m अपॉन 2, ये क्लियर। अब इसको सिंपली यहां पुट कर देना है, तो यहां से आ जाएगा एन सी आर है, तो एन सी एन माइनस m अपॉन 2 और x टू दी पावर, यहाँ r के प्लेस पे जब हम ये रखेंगे तो ये बन जाएगा x टू दी पावर m, कोफिशियंट फाइंड करना था तो ये आंसर बन जाएगा, और इसको हम लिख सकते हैं, देखिए n c n माइनस m अपॉन 2 है, तो n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस m अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस m अपॉन 2 होल फैक्टोरियल, ये बन जाएगा, और यहां से इसको हम लिख सकते हैं 2n देन माइनस n देन माइनस माइनस 2n माइनस n देन माइनस माइनस प्लस m देन होल अपॉन 2 2n माइनस n n प्लस m अपॉन 2, इतने को हम लिख सकते हैं, तो यहां से ये बन जाएगा n फैक्टोरियल इंटू n माइनस m अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू n प्लस m अपॉन 2 फैक्टोरियल, ये कोफिशियंट आ जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट है कोफिशियंट ऑफ एक्स फाइंड करना है, गिवन है
वन माइनस टू एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स टू दी पावर फाइव इंटू वन प्लस वन अपॉन एक्स होल टू दी पावर एट। तो इस पूरी को हम लिख सकते हैं वन माइनस टू एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स टू दी पावर फाइव, और जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये बन जाएगा एट सी जीरो, देन वन टू दी पावर कुछ भी करे स्टिल वन ही मिलेगा, तो सिर्फ ये टर्म कंसिडर करना है, तो वन अपॉन एक्स टू दी पावर जीरो ये भी वन आएगा, तो इंटू वन एन प्लस एट सी वन इंटू वन अपॉन एक्स टू दी पावर वन, इसको हम लिख सकते हैं वन अपॉन एक्स, देन एट सी टू वन अपॉन एक्स टू दी पावर टू ये बन जाएगा वन अपॉन एक्स स्क्वायर, इसी तरीके से एट सी थ्री इंटू वन अपॉन एक्स क्यूब, एट सी फोर इंटू वन अपॉन एक्स टू दी पावर फोर प्लस एट सी फाइव वन अपॉन एक्स टू दी पावर फाइव प्लस एट सी सिक्स वन अपॉन एक्स टू दी पावर सिक्स प्लस एट सी सेवन इंटू वन अपॉन एक्स टू दी पावर सेवन प्लस एट सी एट इंटू वन अपॉन एक्स टू दी पावर एट। तो ये बन जाएगा, ये क्लियर। नाउ अब हमें सिर्फ x के कोफिशियंट को फाइंड करना है, तो वन का अगर मल्टीप्लीकेशन इनमें से किसी भी टर्म के साथ करें तो x नहीं मिलेगा, यहाँ पे x क्यूब तो ये टर्म, और अगर ये टर्म को मल्टीप्लाई करें एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स मिल जाएगा, तो इन दोनों को मल्टीप्लीकेशन करने पे आएगा माइनस टू इंटू एट सी टू और देन एक्स क्यूब इंटू वन अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स, ये क्लियर। यहाँ पे एक्स टू दी पावर फाइव है और इसको इंटू कीजिए तो एक्स टू दी पावर फाइव इंटू वन अपॉन एक्स टू दी पावर फोर, यहाँ से भी एक्स मिल जाएगा, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं प्लस थ्री इंटू एट सी फोर एक्स, ये क्लियर। अब यहां से इसको हम लिख सकते हैं माइनस टू इंटू एट सी टू एट इंटू सेवन अपॉन टू फैक्टोरियल देन ये एक्स, और यहां से ये बन जाएगा थ्री इंटू एट सी फोर एट इंटू सेवन इंटू सिक्स इंटू फाइव अपॉन फोर फैक्टोरियल और देन ये एक्स, ये क्लियर। ये टू कैंसिल माइनस फिफ्टी सिक्स एक्स, और यहां से ये आ गया फोर इंटू टू एट और ये एट कैंसिल, ये थ्री और ये थ्री कैंसिल, सिक्स फाइव या थर्टी इंटू सेवन टू हंड्रेड टेन एक्स, ये क्लियर। देन माइनस फिफ्टी सिक्स प्लस टू हंड्रेड टेन ये आ जाएगा वन फिफ्टी फोर एक्स, एक्स का कोफिशियंट पूछा था तो आंसर आ जाएगा वन फिफ्टी फोर, क्लियर। नाउ सेवेंथ क्वेश्चन है कोफिशियंट ऑफ ए टू द पावर फाइव बी टू द पावर सेवन फाइंड करना है, और गिवन है ए माइनस टू बी होल टू द पावर ट्वेल्व, तो यहां से अगर हम आर प्लस वन एस टर्म निकाल ले तो ये बन जाएगा, देखिए यहां नेगेटिव साइन है तो माइनस वन टू द पावर आर, देन एन के प्लेस पे ट्वेल्व है तो ट्वेल्व सी आर, देन ए टू द पावर ट्वेल्व माइनस आर, देन बी टू द पावर आर, सॉरी यहां टू बी है तो टू बी टू द पावर आर बन जाएगा, ये क्लियर। नाउ इसको हम लिख सकते हैं माइनस वन टू द पावर आर ट्वेल्व सी आर ए टू द पावर ट्वेल्व माइनस आर इंटू टू टू द पावर आर इंटू बी टू द पावर आर, ये क्लियर। अब यहाँ पे ए टू द पावर फाइव बी टू द पावर सेवन है, तो यहाँ आर के प्लेस पे सेवन होगा तभी हमें मिलेगा बी टू द पावर सेवन, या इससे भी आप फाइंड कर सकते हैं ट्वेल्व माइनस आर इक्वल टू क्या होना चाहिए, ए की पावर फाइव है स्टिल आर क्या मिलेगा सेवन, तो आर आ गया सेवन, ये क्लियर। इसको यहाँ पुट कर दीजिए, यू विल गेट माइनस वन टू द पावर सेवन ट्वेल्व सी सेवन एंड ए टू द पावर यहाँ आ जाएगा फाइव और बी टू द पावर सेवन और देन इंटू टू टू द पावर सेवन, ये क्लियर। ये बन गया माइनस वन टू द पावर सेवन नेगेटिव, तो माइनस ट्वेल्व सी सेवन इसको हम लिख सकते हैं ट्वेल्व सी फाइव, बिकॉज एन सी आर इक्वल टू एन सी एन माइनस आर होता है, ट्वेल्व सी फाइव ट्वेल्व इंटू एलेवन इंटू टेन इंटू नाइन इंटू एट अपॉन फाइव फैक्टोरियल और देन टू टू द पावर सेवन और देन ए टू द पावर फाइव बी टू द पावर सेवन, ये क्लियर। नाउ फोर थ्री जो ट्वेल्व फाइव टू जो टेन माइनस एलेवन इंटू सेवेंटी टू इंटू टू टू द पावर सेवन वन ट्वेंटी एट ए टू द पावर फाइव बी टू द पावर सेवन, और जब हम इतने को मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट माइनस वन जीरो वन थ्री सेवन सिक्स,
माइनस 101376 ए टू दी पावर 5 बी टू दी पावर 7 कोफिशियंट पूछा था, तो ये आंसर बन जाएगा। क्लियर। 10th क्वेश्चन है, विच टर्म इन द एक्सपांशन ऑफ एक्स अपॉन रूट वाई टू दी पावर 1/3 प्लस वाई अपॉन एक्स टू दी पावर 1/3 टू दी पावर 1/2 देन होल टू दी पावर 21 कंटेन्स एक्स एंड वाई टू 1 एंड द सेम पावर। अब इस बायनोमियल एक्सपेंशन के किस टर्म में एक्स और वाई की सेम पावर होगी वो टर्म हमें फाइंड करना है। तो देखिए यहां पे साइन प्लस है, तो अगर हम आर प्लस वन एथ टर्म फाइंड करें तो ये यहां पे बन जाएगा एन के प्लेस पे 21 है, 21 सी आर, देन ये टर्म लिख दीजिए एक्स अपॉन रूट वाई टू दी पावर 1/3 देन इसकी पावर 21 माइनस आर हो जाएगा, देन ये टर्म लिख दीजिए y अपॉन एक्स टू दी पावर 1/3 देन टू दी पावर 1/2 और इसकी होल टू दी पावर r बन जाएगा, तो ये आ गया r प्लस वन एथ टर्म, इसको हम लिख सकते हैं 21 सी आर, और देन यहां से x टू दी पावर बन जाएगा 1/3 इंटू 21 माइनस आर, 21 माइनस आर अपॉन 3, और यहां से x टू दी पावर हम लिख सकते हैं 1/3 इंटू 1/2 तो 1/6 इंटू आर, तो आर अपॉन 6, ये क्लियर। देन यहां से y टू दी पावर हाफ इंटू आर तो आर अपॉन 2, और यहां से y टू दी पावर 1/2 इंटू 1/3 1/6 इंटू 21 माइनस आर, 21 माइनस आर अपॉन 6, ये बन जाएगा, ये क्लियर। यहां से 21 सी आर एक्स टू दी पावर हम लिख सकते हैं 21 माइनस आर अपॉन 3, देन ये ऊपर गया तो माइनस आर अपॉन 6, ये क्लियर। देन वाई टू दी पावर आर अपॉन 2 और ये ऊपर गया तो माइनस 21 माइनस आर अपॉन 6, ये बन जाएगा। अब यहां पूछा है कि एक्स और वाई दोनों की पावर सेम होनी चाहिए, तो इन दोनों को सिंपली इक्वेट कर दीजिए, आर आ जाएगा। तो देखिए 21 माइनस आर अपॉन 3 माइनस आर अपॉन 6 इक्वल्स टू बनेगा आर अपॉन 2 माइनस 21 माइनस आर अपॉन 6, ये क्लियर। यहां पे एलसीएम आ जाएगा 6, इसको 2 से इंटू कीजिए तो 42 माइनस 2r देन माइनस r, यहां पे भी एलसीएम 6, इसको 3 से इंटू करने पे 3r देन यहां आ जाएगा माइनस 21 और प्लस r, ये क्लियर। 6 और 6 कैंसिल, 42 माइनस 3r इक्वल्स टू 3r प्लस r 4r माइनस 21, 4r प्लस 3r 7r, 42 प्लस 21 63, तो r यहां से आ गया 63 अपॉन 7 9, तो r की वैल्यू आ गई 9। हमसे ये पूछा था कौन से टर्म में x और y की पावर सेम हो जाएगी, तो ये r प्लस 1th टर्म है, अगर हम ये r की वैल्यू यहां रख दे तो 9 प्लस 1 t10 मतलब 10th टर्म, 10th टर्म में x और y की पावर सेम बनेगी, क्लियर। देखिए 11th क्वेश्चन है, डज द एक्सपांशन ऑफ 2x² माइनस 1 अपॉन x होल टू द पावर 20 कंटेन एनी टर्म इन्वॉल्विंग x टू द पावर 9। अब यहां हमें पता करना है कि इसके बायनोमियल एक्सपांशन में किसी भी टर्म में x टू द पावर 9 आएगा या नहीं आएगा। तो देखिए यहां पे नेगेटिव साइन है, इसका r प्लस 1th टर्म फाइंड कर लीजिए, तो ये बन जाएगा माइनस 1 टू द पावर r, n के प्लेस पे 20 है 20 सी आर देन 2x² टू दी पावर 20 माइनस आर देन 1 अपॉन एक्स टू दी पावर आर, ये क्लियर। इसको हम लिख सकते हैं माइनस 1 टू दी पावर आर 20 सी आर 2 टू दी पावर 20 माइनस आर देन एक्स टू दी पावर 2 से इंटू कीजिए तो 40 माइनस 2 आर इंटू 1 अपॉन एक्स टू दी पावर आर, ये क्लियर। ये बन जाएगा माइनस 1 टू दी पावर आर 20 सी आर 2 टू दी पावर 20 माइनस आर एक्स टू दी पावर 40 माइनस 2 आर माइनस आर 40 माइनस 3 आर, ये क्लियर। अब पूछा है एक्स टू दी पावर 9 कंटेन होगा या नहीं, तो इसको इक्वेट कर दीजिए 9 से, 40 माइनस 3 आर इक्वल्स टू 9, 40 माइनस 9 31 इक्वल्स टू 3 आर, आर आ गया यहां से 31 अपॉन 3 जो कि इंटीजर नहीं है, विच इज नॉट एन इंटीजर,
और अगर ये इंटीजर नहीं आ रहा है r का वैल्यू, इसका मतलब क्या है कि x टू द पावर 9 जैसा कोई भी टर्म इसके एक्सपांशन में कंटेन नहीं होगा. सो एंसर विल बी नो. क्लियर? सो दैट द एक्सपांशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर होल टू द पावर 12 डज नॉट कंटेन एनी टर्म इन्वॉल्विंग x टू द पावर माइनस 1. अगेन सेम क्वेश्चन है. तो यहां पे भी अगर हम r प्लस 1th टर्म फाइंड करें तो यहां पॉजिटिव साइन है, तो ये बन जाएगा 12 सी आर एक्स स्क्वायर टू द पावर 12 माइनस आर देन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर टू द पावर आर. ये क्लियर? और इसको हम लिख सकते हैं 12 सी आर एक्स टू द पावर 24 माइनस 2 आर और यहां से 1 अपॉन एक्स टू द पावर 2 इंटू आर 2 आर. ये बन गया 12 सी आर एक्स टू द पावर 24 माइनस 2 आर माइनस 2 आर 24 माइनस 4 आर बन जाएगा. अब पूछा है कि x टू द पावर माइनस 1 जो है इन्वॉल्व नहीं होगा, ये हमें प्रूफ करना है. तो इसको इक्वेट कर दीजिए माइनस 1 से. 24 माइनस 4 आर इक्वल्स टू माइनस 1. 24 प्लस 1 25 इक्वल्स टू 4 आर. आर आ गया यहाँ पे 25 अपॉन 4. ये भी पॉइंट में आएगा, इंटीजर नहीं होगा, विच इज नॉट एन इंटीजर. और इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि देयर इज नो सच टर्म विच कंटेन एक्स टू द पावर माइनस 1 इन द एक्सपांशन ऑफ दिस. क्लियर? ये चीज हमें प्रूव करना था. तो यहां उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा. इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, तो अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए. स्टिल कोई डिफिकल्टीज गई हो तो इसको आप क्लियर कर सकते हैं. अब ये जो क्वेश्चन नंबर 9th का 4th है, ये बच गया था. ये क्वेश्चन अब आप लोग ट्राई कीजिएगा, इजिली बन जाएगा. ये इसका आंसर दिया हुआ है. और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड से भी शेयर कीजिए एंड हो सके तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए. ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 13 और उसके आगे क्वेश्चंस को देखेंगे.